some questions as well. In that one, Chaddaji, if you can unmute your mic and put your points here. And before you start, let me tell, we have questions for Justice Kaju and Colonel Tevatia. So please hang in there, and Mr. Tikat. So Mr. Inder, sorry, I wanted to end, Mr. Chadha. Inder Vanch Chadha is also very active in the agitation. He's the ground zero. So maybe he can tell us a little more. Absolutely. Thank you. Thanks. And good morning and good evening to everyone. I'm very thankful for the panels. Almost sabne bill ke bare mein to bata diya hai. Everybody has given his views about the bill. But ek cheez main apne ye view dena chahunga. Number one, ki bill mein ek mudda hai jo abhi tak discuss nahi hua, aur wo hai इसका सब्जेक्ट. ये बिल जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये बिल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है. और इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मिस्टर तोमर, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने मार्च 2020 में पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने आप को डिफेंस में ये कहा था कि ये एग्रीकल्चर बिल एक स्टेट का बिल है, हम इसमें सेंटर कुछ नहीं कर सकती. अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये एक स्टेट सब्जेक्ट है तो इसको फिर सेंटर ने किस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पास किया. और जो मेरी नॉलेज में अंडर शेड्यूल 7 ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें एक सेंटर नहीं दखल अंदाजी कर सकती. नंबर वन. नंबर टू, एक बात मैं बताना चाहूंगा. कर्नल साहब ने ये बात की कि यहाँ का किसान बहुत रिच है, उनको क्योंकि उनका काफी लोग बाहर से उनको फंडिंग आती है. तो इस बात पे मैं बोलूंगा, अगर यहाँ के किसान इतना अमीर होता तो यहाँ के किसान फिर सुसाइड नहीं करता. पंजाब में काफी नंबर सुसाइड पे के नंबर आपको मिलेंगे, आप नोट करेंगे. सो पंजाब में भी बहुत ज्यादा सुसाइड हुई है. 2-5% तक किसानों के लोग बाहर गए हैं, और बाहर जाने का भी उनका कोई रीजन था, वो आप एनालाइज कर सकते हैं. वो भी कहीं ना कहीं फार्मिंग से ही जुड़ा हुआ है. तो ये मोटे मोटे तौर पे कहना कि नहीं, किसान पंजाब का किसान अमीर है, सर उनको वो बिहार के साथ उन्होंने तुलना की नहीं ग्राउंड में. और तीसरी चौथा एक और पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एमएसपी का अभी तक बिहार में डेफिनेशन ही नहीं पता. एमएसपी गवर्नमेंट को चाहिए था पहले एमएसपी के बारे में अवेयर करे. बिहार और कई वैसे स्टेट्स में एमएसपी की डेफिनेशन ही नहीं पता. तभी एक रीजन है कि सिर्फ 6% जो है वो बिक्री होती है एमएसपी पे. सो मोटे मोटे तौर पे गवर्नमेंट को ये बिल लाने से पहले एजुकेट करना चाहिए था लोगों को, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी. मैं अभी पीछे जब मैं सिंधु बॉर्डर पे था, मैंने अपनी बात ये बात दोहराई कि इस बिल के लाने के पीछे इंटेंशन ही बड़ी अजीब थी. रविश जी ने भी उस बात को जिक्र किया कि जब ये बिल का ड्राफ्ट बना तब किसानों से बात नहीं की गई, किसी यूनियन से बात नहीं की गई. उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में कैसे इसको प्रेजेंट किया. उसके बाद इनके जो स्टेक होल्डर, जो पंजाब को एक अकाली दल की अलायंस है जो कि एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, उनके थ्रू भी ये किसानों को कन्विंस नहीं कर सकी इस बिल के रिगार्डिंग. फिर इनको 60 दिन मिले, 60 दिन किसानों ने आंदोलन किया. उस 60 दिन में अगर ये कमेटी गठित करते और पंजाब में इसका हल हो जाता, ताकि यहाँ के पंजाब के और हरियाणा के किसानों को वहां दिल्ली बॉर्डर पे जाने की जरूरत ना पड़ती. इन्होंने गवर्नमेंट ने उस चीज को भी इग्नोर किया. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन कहीं ना कहीं फेलियर रही है इसको. राइट, और मैं इसी बात पे कंक्लूड करूंगा. थैंक यू. थैंक यू.